वैष्णो देवी मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध तथा पवित्र मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो भारत में जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में है। बहुत से श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, पर ज्यादातर इनमें से वो भक्त होते हैं जो माता वैष्णो देवी की गुफा के रहस्य को नहीं जानते। भक्तों की लंबी कतार के कारण श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए बहुत कम समय मिलता है। आज हम आपको इस गुफा के सबसे हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आपको भी माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन की इच्छा जाग जाएगी। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पवित्र और पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 5,200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाले दर्शनाभिलाषी धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क बनाया गया है। चलिए बात करते हैं वैष्णो देवी गुफा से जुड़े रहस्यों के बारे में। जितना महत्व माता वैष्णो देवी का है, उतना ही महत्व यहाँ की गुफा का है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनके भक्तों को प्राचीन गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि माता की यह गुफा बहुत ही अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी। भगवान विष्णु के अनस से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कृत्रिम रास्ते का निर्माण सन 1970 में किया गया। वर्तमान में श्रद्धालुओं को इसी रास्ते से माता के दर्शन के लिए दरबार में प्रवेश मिल पाता है। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से मिल पाता है। माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है। दरअसल नियम यह है कि जब भी कभी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं, तब ही प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है, अन्यथा नहीं। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए दो कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। सभी श्रद्धालु इसी गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका शीश उड़कर भैरव घाटी चला गया और शरीर यहीं पर रह गया। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा था, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं किए जाएंगे। इस प्राचीन गुफा के महत्व का एक और कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा जल प्रवाहित होते रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से है, जिसे आधी कुंवारी या अर्ध कुंवारी कहा जाता है। इसके बारे में एक मान्यता है कि जब भैरवनाथ ने उस कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी को पकड़ना चाहा, तब वो कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी। उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 महीने तक खेला। आज इस पवित्र गुफा को अर्ध कुंवारी के नाम से जाना जाता है। अर्ध कुंवारी के पास ही माता की चरण पादुका भी है। ये वही जगह है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला था और उस जल से अपने केश धोए। आज ये पवित्र स्थान बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसके पवित्र जल का पान करने से या इसमें स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जिस प्रकार एक शिशु माता के गर्भ में रहता है, इसलिए ये गुफा गर्भजून कहलाती है। इस गर्भजून के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इस गुफा में जाता है तो फिर उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिल जाता है, और उसे किन्हीं कारणों से गर्भ में आना पड़ा तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है।
तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें जो माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आशा करते हैं कि शक्ति को समर्पित इस मंदिर का दर्शन आप जरूर करेंगे और ये वीडियो आपको उसके लिए लाभान्वित करने में सफल हुआ होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग दर्शन अभिलाषी हो सके वैष्णो देवी माता के। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें।